अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को भैया टाउन कराची की लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में, जो पिछले इस एक महीने में हुई है, उसके बारे में आपको आगाह करूंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने जितने भी ओवरसीज क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, और वो लोग जो भैया टाउन कराची को ऑनलाइन सर्च करके पता करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, उन सबको इस अपडेट मिलने के बाद उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नीचे दिए हुए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सबसे पहली डेवलपमेंट की बात करूं तो बारिश, जो कि पूरे कराची शहर में भी इस टाइम सबसे ज़्यादा हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब भैया टाउन कराची में रिकॉर्ड बारिश हुई, तो उस टाइम मैं खुद एक विक्टिम था और बीच में इतनी तेज़ बारिश में फंस गया था। लेकिन जो देखा गया कि बहरिया में इतनी तेज़ बारिश होने के बाद जगह जगह पानी जो है वो अपनी जगह पर रुक गया था, उसकी भी मेन वजह ये थी क्योंकि रोड का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा अप एंड डाउन था। तो उस जगह पर जहाँ से उसने लास्ट फाइनल अपने नाले की तरफ जाना था, वहाँ पानी अच्छा खासा जमा हो गया, जिसकी वजह से ये सब मिसहैप हो गया और लोगों को ये पोर्ट्रे हुआ कि बहरिया में पानी बहुत सारा भर गया है। और बहुत सारे लोगों ने ये लोगों को वीडियोस दिखाई कि देखा बहरिया भी डूब गया। तो मैं इन सब के लिए कहूँगा कि बहरिया को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक अच्छी सोसाइटी है, उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, वो अपने आप को पहले भी प्रूफ कर चुका है और अभी भी प्रूफ कर रहा है। तो इसलिए इस तरह की वीडियोस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। भैया टाउन कराची का जो सिस्टम है वो प्रॉपर है और यहाँ पर रिहाइश की जगह है, ये कराची से आप इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। और कुछ लोगों के घर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया ड्यू टू उनकी जो कंस्ट्रक्शन का मेयार था, शायद वो बहुत ही कम था, बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से छतों से कहीं ना कहीं लीकेज होते हुए उनके पूरे घरों में पानी भर गया। और कुछ ऐसी जगहें जो कि स्लोप के ऊपर बनी हुई थी, और पूरा पानी बहुत स्पीड से आया और उनके घर की तरफ साइडों पे जाके खड़ा हो गया या उनके घर के पास से होता हुआ गुजरा। तो इस तरह के मामला बहुत सारे देखे गए। तो आप लोगों के लिए तो पहली एडवाइस ये है कि जब भी कोई प्लॉट परचेस कर रहे हो तो लोकेशन को ज़रूर जाके देख लीजिए, सब कुछ एनालाइज कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये मत देखें कि वो सामने वाला मुझे 80 लाख दे रहा है और एक अच्छा बंदा मुझे 85 दे रहा है, तो मैं 70 लाख रुपए में करवा दूंगा तो मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, 70 में बन जाएगा, लेकिन ये बारिशों में और इस तरह की चीज़ों में आप फंस जाएंगे। अब मैं दूसरी बात करूँ तो भैया टाउन कराची ने हमेशा एमिनिटीज़ के ऊपर फोकस किया है, लोगों के लिए एक तफरी की जगह, लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव जगह हमेशा बनाई है। उसी को देखते हुए चिरपी पार्क की इनोग्रेशन इस मंथ कर दी गई है। उसकी जो प्राइसेस हैं वो स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हैं। 5 बजे के बाद से ये जगह प्योरली ओपन हो जाती है। बहुत खूबसूरत मंज़र है, आप आइए अपनी फैमिली अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आके इंजॉय कीजिए, उनको दिखाइए। और अक्सर स्कूल जो है वो जू लेके जाते हैं, तो ये भी एक जगह होगी जहाँ पर बच्चों को बताया जाएगा कि आप ये देखें कितने खूबसूरत परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पर बात करूँ तो भैया टाउन कराची में गोल्फ सिटी की मेंबरशिप का आगाज होने जा रहा है। कुछ ही अरसे में आप देखेंगे गोल्फ सिटी की मेंबरशिप शुरू हो जाएगी। वैसे तो काम कंप्लीट है, उनके इंटरनल सिस्टम की वजह से लेट था, जो कि उम्मीद है बहुत जल्द गोल्फ सिटी की मेंबरशिप आने वाली है। तो मैं वापस से कह दूं, जिन जिन लोगों को 500, 1000 और 2000 गज में लश ग्रीन जगह के ऊपर अपना घर बनाना है, तो भैया गोल्फ सिटी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आज भी मौका है, कम पैसों में आप अपना वहाँ पर प्लॉट बुक करवा सकते हैं। और चौथी और अहम बात करूँ तो जितने भी भैया टाउन कराची में जो नए बायर्स हैं उनके लिए और जो सेलर्स हैं उन सब के लिए भैया टाउन कराची, जिन जिन लोगों ने पोजेशन चार्जेस अभी तक पे नहीं किए हुए, भैया टाउन कराची ने उनके चार्जेस 20% इंक्रीज कर दिए हैं। और कहा गया है कि 5 सितंबर से पहले पहले जो ओल्ड चार्जेस हैं पे कर दो, अदरवाइज नए चार्जेस इंप्लीमेंट 5 सितंबर से हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने चार्जेस नहीं पे किए हुए वो फौरन कर दें, और जिन लोगों के अभी नए प्लॉट्स परचेज कर रहे हैं नॉन पेड, तो उनके ट्रांसफ़र 5 सितंबर से पहले पहले करवा कर उस 20% इंक्रीमेंट से बच जाएं और ये अपनी तरफ कर ले प्लॉट। हो सकता है कि भैया टाउन कराची शायद इस 5 सितंबर से आगे भी डेट कर दे, लेकिन फिलहाल जो लेटर दे भेजा गया है, जो आपके सामने स्क्रीन पे भी मौजूद है, उसके मुताबिक तो फिलहाल
यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेटेस्ट डेवलपमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आप लोगों को भेज रहा हूँ कराची की हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मिलती रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।